आवाज हम लोग बोल रखें शुरू। हाय मैं हूँ अनुप्रिया एंड आज हम हैं midday.com पे पूजा बत्रा के साथ एंड हम बात करेंगे उनकी आने वाली फिल्म द मिरर गेम के बारे में। तो पूजा वेलकम टू midday.com। थैंक यू। तो बताएं क्या है फिल्म एंड कैसे आप जुड़ी हैं फिल्म से? फिल्म मिरर गेम अब खेल शुरू इज अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर सस्पेंस थ्रिल काइंड ऑफ अ मूवी और मेरा जो रोल है इसमें आई प्ले अ पुलिस साइकोलॉजिस्ट हु हेल्प्स द पुलिस हेल्प सॉल्व द केस एंड जैसे फिल्म आगे बढ़ती है वन रियलाइजेस कि इसकी कितनी इन्वॉल्व मेरी कितनी इन्वॉल्वमेंट है इन द केस। ओके तो कैसे मतलब ये जुड़ना कैसे हुआ था फिल्म से इस प्रोजेक्ट से? सो विजित शर्मा जो डायरेक्टर हैं ही रीच्ड आउट टू मी एंड ही सेज दिस इज माय फर्स्ट मूवी दैट आई एम डायरेक्टिंग आई हैव रिटन इट एंड आई वांट यू टू प्ले डॉक्टर रॉय। सो आई गॉट माय मैनेजर इन्वॉल्वड आई आस्क्ड माय मैनेजर इज अमेरिकन गाय आई आस्क्ड हिम कि आस्क हिम फॉर द स्क्रिप्ट लेट मी रीड द स्क्रिप्ट। पहले आधे लोग तो वहीं गायब हो जाते हैं ना स्क्रिप्ट ही नहीं होती सो ऐसे ठीक है पहले स्क्रिप्ट पढ़ते हैं देन वी विल सी। So when I read the script, I really liked it. Okay. And then he had told me, please mark Dr. Roy, that's the character I want you to play. So I liked that too. Okay. As a trailer, मतलब आप script के बाद लगा कि ऐसी फिल्में अभी तक नहीं की हैं आपने ये भी एक reason रहा जो जुड़ने का? Yeah, मैंने ऐसी फिल्म नहीं की और ना ही ऐसा role character कभी play किया है so that was also a very big push for me. एंड प्रवीण धवस के साथ भी मैंने कभी काम नहीं किया था इज अ फैंटास्टिक एक्टर आई वांटेड टू वर्क विद हिम। ओके सो या सो दैट्स हाउ आई गॉट ऑन बोर्ड। ओके हमने सुना है फिल्म पूरी की पूरी अमेरिका में शूट हुई है और काफी कम टाइम पे शूट हुई है तो वो वन स्केड्यूल। हाँ हाँ या तो कुछ शूटिंग एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें। मुझे लगा नया डायरेक्टर होगा क्या मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड मेरा पहला जो सीन था वो फोर एंड हाफ फाइव पेजेस का सीन था। ओके तो मुझे बोलते हैं कि हमारे पास ड्रेस डिज़ाइनर तो है बट आप प्लीज़ अपने कपड़े भी ले आएँ हाँ हम मिक्स मैच करके देख लेंगे गेट अ जैकेट योर साइज क्योंकि आई वॉज इन इंडिया डूइंग अ टीवी शो विच वॉज सेट इन अमेरिका ओनली बट अमेरिकन टीवी शो तो मेरे पास टाइम नहीं था इनकी फिटिंग्स करने के लिए। तो मैं यहाँ से सीधा मैं न्यूयॉर्क न्यू जर्सी गई थी फ्लाइट करके सो मैंने अपने कपड़े भी दिखाए बट दे वेंट विद माई क्लोथ्स चॉइस एंड दैट वाज इट। एंड शूटिंग में इतना स्ट्रिक्ट एटमोसफियर था ना एवरीथिंग वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एवरीबडी विजित वॉज वेरी नर्वस to be doing this thing but he was so precise like jo humko shot division di jati thi every day ki itne scenes hoenge wo hi hote the. Okay we were never behind schedule we were in fact ahead of schedule. Okay and for a newcomer and he completely shot it like the Hollywood style like there were no mistakes his camera angles were perfect there were jabki unki shot division jabki unki pehli film hai shot division thi ye cheeze dekh मैं बहुत सरप्राइज थी आई वॉज एक्चुअली टेकन अबैक बिकॉज आई हैव डन सो मेनी मूवीज आई हैव बीन ऑन सो मेनी सेट्स ट्रू एंड दिस काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म वाज अमेजिंग टू सी। बॉलीवुड मिस नहीं करती? करती हूँ। ओके इतना लंबा गैप क्यों मतलब आपके हमने सुना आप रेडियो भी कर रही हैं वहाँ पे काफ़ी उसमें मतलब उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया। मैंने रेडियो स्टेशन लॉन्च किया था सो आई हैड अ रेडियो स्टेशन जो ईस्ट कोस्ट बॉस्टन और न्यूयॉर्क में 7 साल से उसकी प्रेजेंस है पर वो वेस्ट कोस्ट एलए और सैन फ्रांसिस्को में नहीं थी उनकी प्रेजेंस तो उन्होंने दे रीच्ड आउट टू मी एंड दे आस्क्ड माय कंपनी टू लॉन्च इट देयर। सो फॉर 2 इयर्स आई हैड अ फ्रेंचाइजी ऑफ दैट रेडियो स्टेशन विच फ्रॉम 0 लिसनर्स टू 400,000 लिसनर्स यू नो in LA we got them and then we gave it back to them so now it's up and running. Okay the radio station has is running it's getting sponsors it's getting you know a lot of listeners and people are you know logging in there's an app of mera sangeet you can listen to it from here also. Okay to kya USP kya rehti hai uske kya cheeze aap karte ho matlab to main jaise 0 se 400 aana
हाँ, सो आई हैड टू हायर अ होल टीम, आई हैड को प्रोड्यूसर्स, हैड थ्री अदर प्रोड्यूसर्स हु हैड कम ऑन बोर्ड, वी हायर्ड अ लॉट ऑफ आरजेस, कुछ इंडिया में थे आरजेस, बहुत सारे अमेरिका से हमने हायर किए थे जो यू नो डिफरेंट डिफरेंट शोज रन करते थे, वो शोज फिर पॉपुलर हुए, हमने इवेंट्स किए, म्यूजिक नाइट्स की, तो यंगस्टर्स को अवेयरनेस हुई, यू नो थिंग्स लाइक दैट. ओके, अगर आपकी पूरी जर्नी की बात करें तो कैसे देखती हैं एंड बॉलीवुड की वो कौन सी फिल्में रही हैं आपके लिए जो आपको लगता है कि इसमें मैंने अपने आप को मतलब हासिल किया है? काफ़ी फिल्में रही हैं, आई मीन अगर मैं देखूँ तो हसीना मान जाएगी रही है, थाई, ताजमहल भी रही है क्योंकि वो कैरेक्टर मेरे को तो बहुत मज़ा आया था प्ले करके, नूरजहाँ का जो रोल मैंने किया था, विरासत, चंद्रलेखा, कहीं प्यार ना हो जाए भी मैंने सलमान के साथ फिल्म की थी. सो ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं, कुछ में मुझे लगता था कि कुछ मेमोरीज अगर आप शेयर करना चाहें, मतलब आपने कॉमेडी फिल्में काफ़ी की हैं और अब सारे लगभग सारे ही बड़े स्टार्स रहे हैं, तो उसके कुछ अगर मेमोरी अगर आप शेयर करना चाहें जो आई मीन देर ऑल अमेजिंग मेमोरीज, ऐसा कुछ इंसिडेंट्स आई कॉन्ट थिंक ऑफ राइट नाउ, बट आई रिमेम्बर विरासत में वेन वी वर डूइंग दैट सीन ऑफ माइन विच वॉज सीन द क्लाइमैक्स सीन, जब मैं वापस आती हूँ लंदन से और मुझे पता चलता है कि अनिल कपूर की शादी हो गई है, सो अनिल वाज सो स्ट्रिक्ट विद मी, ही यूज्ड टू टेल मी के फॉर डेज, यूज्ड टू टेल मी एवरी टाइम ही वुड सी मी गो टू दैट रूम एंड स्टार्ट क्राइंग, सो एंड एवरी टाइम आई वुड कम बैक एंड for lunch break or whatever I'd come back to be with the unit, he's like, what are you doing here? I told you to go to that room and start crying. Okay, and that was Anil. My director Priyan would tell me, if you break that painting, I mean that photo and the frame, if you break that frame, ye scene is schedule mein to ho nahi sakta क्योंकि इस विलेज में कोई फ्रेम बनाने वाला नहीं है, सो आई वुड बी अंडर सो मच प्रेशर कि आई डोंट नो मैन, ओके, यू नो दिस इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, एक्टिंग इज नॉट इजी, ओके, सो दैट्स द मेमोरी आई हैव ऑफ विरासत. एंड देन फराह खान वाज अमेजिंग बिकॉज शी डिड द कोरियोग्राफी ऑफ द मूवी, ओके, वो तो काफी मस्ती करने वाली हैं, हाँ वो तो बहुत वो स्ट्रिक्ट भी रहती थी, बट शी वाज अ लॉट ऑफ फन. बट जब हमने गाने किए, ढोल बजने लगा एंड ऑल, तब गाना भी रिकॉर्ड होके आया नहीं था, सो वी हैड नो आइडिया कि कौन सा गाना है, सो वी वुड जस्ट गेट अप एंड आई वुड बी टोल्ड रन फ्रॉम हियर टू देयर, सो आई वुड जस्ट रन एंड देन दे से ओके कॉस्ट्यूम चेंज, दिस इज माय फर्स्ट फिल्म, सो आई एम लाइक डोंट यू वांट मी टू रन बैक फ्रॉम देयर टू हियर, सो आई रिमेम्बर ऑल दैट. एंड देन मॉर्निंग शॉट्स, अर्ली मॉर्निंग, मैंने कहा यार ये मैंने अच्छी पिक्चर साइन की है, शूटिंग हो रही है, हाँ मॉर्निंग में होती है सारी शूटिंग, एट द क्रैक ऑफ डॉन, ओ लाइक द मोंटाजेस, ओके, हमको ठहराया गया है पोलाची में, मुझे लगा हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, यू नो मूवी स्टार्स आर ग्लैमरस, गरम पानी आता था बाल्टी में नहाने के लिए, आई वाज लाइक यू नो आई कुडंट इवन कॉल माय मम के भी आ जाओ मेरे साथ, अकंपनी मी टू द शूट, यू नो खाना वो साउथ इंडियन विच आई लव, बट एवरी मॉर्निंग आई वुड गेट अप एंड दे से वेयर दिस आउटफिट एंड रन फ्रॉम देयर टू देयर, come back and change, I'm like meri jitni running hui hai na, so it was a blast. अच्छा, अभी जैसे बॉलीवुड में देखें तो अभी पूरी तरह से सारी चीजें बदली हैं, कास्टिंग का तरीका भी बदला, अभी बहुत सारी तैयारियां करके आती थी, आप जब आई थी शुरुआत में तो आपने क्या क्या चीजें मतलब सीखी ऑन सेट और क्या चीजें आपने तैयारी और उस टाइम क्या होता था, किस तरह से कास्टिंग जब होती थी, रिहर्सल होते थे या फिर ऑडिशन होते थे, क्या होता था, किस तरीके से? ऑडिशंस होते थे, मैंने एक फिल्म की, मैंने एक गाना किया था नागार्जुन के साथ, शशिंद्री उनकी एक मूवी थी, वेयर आई वाज एट अ पार्टी एंड नाग सॉ मी एंड ही सेड वुड यू वांट टू डू अ यू नो लाइक अ सॉन्ग, ओके, सो आई सेड या आई डिड इट, एंड कहते डू यू नो हाउ टू डांस, मैंने कहा या आता उतर था नहीं, लाइक वो फिल्मी डांस आई वुड नो हाउ टू डू लाइक वेस्टर्न डांस, बट द इंडियन
I didn't know, and Farah was the choreographer. That time also. Okay. So Farah said, "Don't worry, I'll teach you." We land up on the set, we do this dancing, the song comes out very good. Every day I would shoot, and in the evening I would take painkillers. Because the whole body would be hurting because I'd never done those movements, right? So shaam ko mujhe painkillers milte the, subah phir se shooting. That lasted for 5 days. Okay. When the movie came out, the song came out, everybody liked the song. So that song is what I think Priyadarshan saw and cast me in the movie, and then he had an audition also for me. So that was the only film I auditioned for. And then there was audition for my Hollywood film, which I just did, One Under the Sun. Okay. There were a lot of people they had in mind, but then when I auditioned for it, the directors and producers liked it, and they said, we are going to go with an Indian girl as an astronaut rather than African American or a white woman that they had thought they would take. Okay. वहाँ के भी जिंदगी कैसी लगती है, क्या करती हैं आप, क्या इतनी सारी चीजें एक साथ आप कर रहे हो, पर्सनल जब टाइम मिलता है तो मी टाइम में क्या होता है? मी टाइम में I travel a lot. मी टाइम में I read a lot. Read books. किस टाइप की? I mean anything from fiction to self, you know, realization to, I was reading I met Sri Ravi Shankar ji, so I was reading his book. Oh. I came to India, I was reading Unsuitable Boy, Kullam Kulla. Okay. Then I was reading Shubha Vilas's Open Eyed Meditations. Okay. And now I'm reading The First Muslim. So I read a lot. Okay. And otherwise I watch a lot of movies. Okay. And now that I'm in Hollywood, I go to the Directors Guild of America because I get invited. I go watch movies before they are released. I love movies. It's my passion. And when I'm not acting, then I'm sort of involved with my company, or I'm doing martial arts, I'm training in MMA. So I keep myself busy. Okay, Pooja, अभी भी आप पहले जैसी नहीं हैं। You're being so कैसे, sweet. कैसे कैसे? I have put on weight. कुछ tips दे दीजिए, कुछ tips दे दीजिए। कहाँ से आपने put on किया है पता नहीं। India आके ना 3 kg. क्या खाया पिया क्या? वहाँ बहुत maintain करते हैं, यहाँ के खाना food यहाँ के ना mango ज़्यादा आते हैं। ओह, अभी तो season आ चुका है, खाया आपने? Enjoy किया? हाँ, फिर जामुन आ जाते हैं। लीचियाँ आ जाती थी, ये जो बहुत disaster हो जाता है, फिर आलू की परांठी हो जाती है, too bad. Okay, लेकिन आप कैसे fit, मतलब क्या fitness के tips आप दे दो? I think it's very important what you eat. Okay. You are what you eat. Okay. So and one should strive to stay away from sugar, too much salt. Okay. You know, too much white products which are filtered and altered and changed and adulterated. Too much carbs also, one should try and stay away. Like, not, one doesn't really need to eat so much rotis and parontis that okay. I've been eating. Okay. What are upcoming projects? So I just did a documentary in Hollywood called Save Her. So I lent my voice to this lady who was the subject of sex trafficking. And how she came out of it, and what happened to her, what her story was. So that's my latest thing that I did. Okay, Pooja, मतलब सही आपको एक entrepreneur बोले, actress बोले, then अभी आप documentary, काफी चीजें आपने explore किया. तो आपको लगता है पूरे the whole मतलब like आपने एक तरह से जो acting को ही सिर्फ तवज्जो नहीं दी है life में, right? I mean, वो actually तो पहले तो acting थी, फिर जब when I moved to America तो acting इतनी नहीं रही, तो I had to move on and I had to do other things which was related with the industry. So then I opened my company, I got into casting, I got into pop-up events and stuff like that. So उससे फिर and then I also love acting. Okay. So you know, when if I'm lucky and if I get a good movie, I'll still do it because acting is still my passion. Bollywood से अगर कोई होगी तो ज़रूर talk करना चाहूँगी. Okay, thank you so much, Pooja. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, and आपकी film है The Mirror Game, अब खेल शुरू.
2 जून को आ रही है और हम श्योर इसे थिएटर में देखेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक्स मच. ओके.